तो गाइज यही है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो गाइज हम आप लोगों को फुल वीडियो बता चुके हैं, आप लोग अगर नहीं देखें तो फुल वीडियो जाकर देखिए हमारा। तो गाइज फाइनली हम लोग कॉलेज में प्रवेश कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं कॉलेज का सेंटर हो गया, इधर कॉलेज अभी बन रहा है। तो गाइज फाइनली हम लोग का बाइक देखिए फंस गया है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइज आप लोगों को लेकर चल रहे हैं आज हम चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। तो गाइज यह कॉलेज मर्यादवा के ठीक बगल में है, जिस गांव का नाम है परसा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को लेकर चलते हैं। यहां पर बहुत भीड़ लगा हुआ है, हम लोग मर्यादवा के यहां पर ढाला पर पहुँच गए हैं। स्टेशन आप लोगों को पड़ेगा उधर साइड में पड़ेगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर, शायद ट्रेन आने वाली है, नहीं वहाँ पर रुकी हुई है ट्रेन। तो गाइज हम लोग कुछ देर वेट करते हैं। तो गाइज हम लोग अब निकल रहे हैं, ढाला उठ गया है ऊपर, ट्रेन में शायद लेट था, माल गाड़ी थी। तो गाइज ढाला पर से हम लोग राइट कटेंगे कॉलेज में जाने के लिए, वो हो गया ढाला, आप लोग देख सकते हैं हम लोग राइट कर चुके हैं और राइट से होते हुए निकल रहे हैं। हर एक मोड़ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं सीन, कहां से निकलना है, कहां जाना है। तो गाइस फिर एक राइट टर्न हम लोग लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं बाएं साइड। तो गाइस ये हो गया चौक चौराहा, यहां से हम लोग बाएं कटेंगे कॉलेज में जाने के लिए, यहीं बाएं वाला रास्ता जाएगा सीधे। तो गाइस हम लोग तीन आदमी हो गए हैं, तीन फ्रेंड हो गए हैं, तीनों आदमी जा रहे हैं कॉलेज। साइड में लगा दो ही ना साइड में, अरे घुसा दो, अच्छा घुसा दो ना साइड में लगा दो ही ना साइड में, अरे घुसा दो, अच्छा घुसा दो। तो गाइस फाइनली हम लोग कॉलेज में प्रवेश कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं कॉलेज का सेंटर हो गया, इधर कॉलेज अभी बन रहा है। हो गया कॉलेज। तो गाइस यही है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैनर लगा हुआ है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का। गाइस यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उन लोगों का गाड़ी है। तो गाइस हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए वो मेरे फ्रेंड हैं, हम लोग भी बाइक से आए हैं। तो जो ये इधर बाउंड्री दिख रहा है यहाँ पर, वहाँ पर उसका कॉलेज बन रहा है। वो लोग बोले थे कि वहाँ पर ये कॉलेज इसका मतलब ये दूसरा कॉलेज है, बगल में ये बन रहा है, ये है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लेकिन इसका सभी कारोबार अभी होता है इसी में, इसका सभी कारोबार इसी में होता है। तो गाइस अब हम लोग चल रहे हैं मर्यादवा, वहाँ पर हम लोग को मेडिसिन्स लेना है, मेडिसिन्स लेंगे वहाँ पर, हम लोग चलेंगे अब वहाँ से घर पे। तो गाइस हम आए थे बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन अभी काम नहीं हो रहा है, अभी ये नया कॉलेज है, अभी बोल रहे हैं कि राज्यपाल के पास लेटर गया है, लेटर ये लोग भेजे हैं लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो गाइस बोल रहे हैं लोग कि दिसंबर के लास्ट में ये आप लोगों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो हाँ 30 दिसंबर तक समय है फॉर्म भरने का स्कॉलरशिप वाला। तो गाइस अब क्या करें, अब जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, हम आए थे बोनाफाइड लेने के लिए। तो गाइस हम वेट करेंगे। बैठिए उपेंद्र भैया, बैठिए बैठिए बैठिए। तो गाइस हम लोगों के हाथ निराशा लग गया है, हम लोग का काम नहीं हो पाया है। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा उधर साइड में लीजिएगा, साइड में बस इधर ही रोक दीजिए। तो गाइस यही है चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो गाइस हम आप लोगों को फुल वीडियो बता चुके हैं, आप लोग अगर नहीं देखें तो फुल वीडियो जाकर देखिए हमारा। तो गाइस यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लिए हैं, हम लोग जा रहे हैं मर्यादवा, मर्यादवा में काम है। आइए गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को हम लेकर चल रहे हैं सीधे मर्यादवा की तरफ। तो गाइस आप लोगों को मर्यादवा बाजार में ही लेकर चलेंगे आप लोगों को। तो गाइस हम लोग मर्यादवा के बाजार में आ चुके हैं, ये हो गया।
मध्यपुरा का मार्केट। तो गाइज काफ़ी दिन हो गया इधर आए हुए। तो गाइज आज से तीन से चार आज से चार साल पहले हम लोग आते थे मर्यादवा पढ़ने के लिए, यहीं बाजार है इधर 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 उधर। तो गाइज दवा का दुकान वहाँ पर है, हम लोग को वहाँ पर जाना है। तो गाइज देखिए बिहार का विकास कैसे हुआ है, देखिए गाइज कैसे कैसे बिहार का विकास हुआ है, कैसे कैसा रोड है टूटा फूटा। गाइज यहाँ इतना बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, यहाँ रेलवे गाड़ी मतलब सवारी आता है जाता है, ट्रेन आता है जाता है, लेकिन इसके बगल में जो रोड है वो बहुत ही ख़त्म है, टूट चुका है, चारों तरफ से रोड टूट चुका है। आप लोग देख सकते हैं इधर रोड का हालत तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बेकार है। तो गाइस देखिए हम लोग आर पर बाइक चलाते हुए निकल रहे हैं, देखिए क्या होता है। हम लोग को साइकिल इस पर चलाने का बहुत अनुभवी है, हम लोग बहुत एक्सपीरियंस हो गया था हम लोग का इस पर। देखिए अब बाइक गोलू भाई तीन आदमी को बैठा कर चला रहे हैं। तो गाइस सुबह में हम लोग आते थे पढ़ने इधर से, इधर ही से जाते थे, तो गाइस कोई ना कोई पक्का गिरता था इस पर से। हम लोग के गाँव में एक पंडित जी थे, वो तो डेली गिरते थे। तो गाइज हम लोग आते थे पाँच साल पहले, आज से पहले नहीं, बहुत दिन हो गया, ये याद बन गया है, ये रोड याद बन चुका है। तो गाइज देखिए एक्सपीरियंस है इनके पास, गोरू भाई के पास, देखिए गाड़ी को कहीं से निकाल दिए भाई। तो गाइज फाइनली हम लोग आ चुके हैं नदी पर, यहाँ पर पोल लगा हुआ है आइए, लेकिन वो पोल काम नहीं करेगा, सिर्फ नाम के लिए रखा गया है, क्योंकि उस पर ट्रैक्टर जो गया है ना वो सब बर्बाद कर चुका है, आदमी के लिए बनाया गया था लेकिन ट्रैक्टर उसको ख़त्म कर दिया है। तो गाइज हम उतर रहे हैं, इस पर से उतरना पड़ेगा नहीं तो फंस जाएगा गाड़ी, क्योंकि लोड है तीन आदमी का, और ये भाई साहब जूता पहने हुए हैं और वो भाई साहब गाड़ी आग रहे हैं, तो हमको ही उतरना पड़ेगा जाहिर सी बात है। गाड़ी में उतरना नहीं चाहिए भाई, नहीं तो लेंसर यानी सलेंसर में पानी घुस जाएगा। और ठेलिए 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 ठेलिए। गलत जगह पर आप चले गए थे लेकर, तू कहाँ फंसा दे हो, कहाँ फंसा दे कोई कहीं है वह निकला है, देखो कितना फ्रेश रोड बा, ये ट्रैक्टर अभी पूरा मैं भेजवा होता रहो, पूरा बा वीडियो तो बनता है दे। तो गाइस फाइनली हम लोग का बाइक देखिए फंस गया है, देख लीजिए बाइक फंस गया है, जो ये बाबा है ना यही रास्ता बताए कि उधर से जाओ उधर से, लेकिन पुआल रखा हुआ था। तो देख लीजिए अब इधर से निकालेंगे गोलू बाबा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय टाटा टेक केयर।